8:30 को आपका एक्सीडेंट होता है और 9 o'clock आप मेंस की एग्जाम देने जा सकते हैं। इंटरव्यू से पहले एक महीने तक आप हॉस्पिटलाइज्ड है और उससे एक वीक पहले आप दिल्ली जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो लक हैज टू कम विथ यू, उसको आना पड़ेगा और आपको आईपीएस बनाना पड़ेगा। मैं एग्जाम के लिए निकला, मेंस मेरा था सुबह, GS3 का पेपर था। 8:30 को मेरा स्कूटी स्लिप हो गया, मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया, लेफ्ट हैंड में इंजरी था, सीट से ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा ओके माय राइट हैंड इज सेफ एंड आई डिसाइडेड आई विल गो टू द एग्जाम हॉल एंड राइट द एग्जाम। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं वहां से उठ के रोने लगूं, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा मेंस खराब हो गया और हॉस्पिटल जाओ, या दूसरा ऑप्शन था कि मैं देखूं कि मैं 3 घंटे और सर्वाइव कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, मैं मेंस के लिए एग्जाम हॉल में गया। ये जितने भी फोटोग्राफ्स लगे हैं, सर ने जैसे बताया कि जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहां पे वो इंसान की जो स्ट्रगल है वो पीक पे हो जाते हैं। वो इस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां से यू टर्न लेना है या आपको वहां से आगे निकलना है। इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहां से आगे निकलना है, एंड दैट इज द फंडा ऑफ लाइफ। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकलने की सोचते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। और यही मेरा एटीट्यूड रहा है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पापा इलेक्ट्रिशियन थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, डायमंड के कारखाने में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने मैरिज में रोटियां बनाने का काम किया और उस तरह से मैं पढ़ा। लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आप बदलना चाहते हो, आई सेड नथिंग, क्योंकि वो चीजें नहीं होती मेरी लाइफ में तो शायद आज आपके सामने मैं नहीं होता। तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर लाइफ में स्ट्रगल है, जैसे सर ने बोला है स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। भारत वर्ष का सपना चंद्रगुप्त ने देखा, चाणक्य ने देखा, और उस भारत वर्ष को बनाने के लिए जब ये संघर्ष जारी था और तब राजा धनानंद की डॉटर दूरदराज से चंद्रगुप्त को प्यार हो जाता है और जब चाणक्य उनको बोलते कि नहीं तुम्हें उससे दूर रहना है, तब चंद्रगुप्त बोलता है आचार्य कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में या ये भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग इतना बलिदान ना देना होता तो। और तब चाणक्य रिप्लाई करते हैं तो हर कोई भारत का सम्राट होता। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ। अगर आईएएस बनने के लिए आईपीएस बनने के लिए सैक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर घर में आपको आईएएस आईपीएस मिल जाएंगे। मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 23 मार्च को मेरा इंटरव्यू था, 20 फरवरी को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में एंड बहुत हाई फीवर था तो आईवी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 1 मार्च को ठीक होकर मैंने सोचा चलो दिल्ली निकलते हैं। 2 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा। 3 मार्च को वापस से टॉन्सिलाइटिस का अटैक होने की वजह से फ्लाइट लेके वापस से पालनपुर अहमदाबाद, अगेन हॉस्पिटलाइजेशन। 15 मार्च को आई गॉट रिलीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। 16 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा और 23 मार्च को आई गेव माय यूपीएससी इंटरव्यू। तो 1 महीने का हॉस्पिटलाइजेशन। उसके बाद जब दिमाग में ये था कि मेरे साथ जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो 1 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड 1 महीने से मैं हॉस्पिटल में था, अगेन आई थॉट This is the moment to prove yourself. I went to the interview, और पूरे इंडिया में 2nd highest marks in interview.